वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल, ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर घग्गर अपडेट्स को लेकर फिर से एक नई अपडेट हमारे पास है। और सबसे पहली गुजारिश, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें। इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये घग्गर सिरसा के बाद O2 हेड की तस्वीर है। फिलहाल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से, जो हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से जो पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद टोहाना जाखल के पास जो घग्गर का कहर है, और उसके बाद अगर हम देखें तो सरदुलगढ़ और चांदपुरा हेड के बाद सिरसा में जाहिर तौर पर ये पानी आज पहुंचने का अनुमान था, और ठीक वैसा ही हुआ है। पानी से लबालब जो O2 हेड है वो भर चुकी है और पानी का बहाव आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफ़ी है। कुल मिलाकर हेड पॉइंट जितने भी यहाँ पर मापा जाता है उसी के अनुसार जो फिलहाल 7600 क्यूसिक पानी है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके तमाम जो गेट हैं वो खोल दिए गए हों, क्योंकि कल तमाम गेट खोले गए थे, लेकिन आज सिर्फ 2 गेट खोले गए हैं। 2 गेट को बहुत हल्के स्तर पर खोला गया है और बाकी इस O2 हेड से जितनी भी नहरें निकलती हैं वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन शेरावाली और SGC माइनर को अगर देखें तो चैनल को छोड़कर बाकी में छोड़ा गया। इनका कारण ना छोड़ने का ये है कि इनके साइफन का निर्माण हो रहा है, इसलिए वहाँ पर पानी नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन किसानों ने कल इसको लेकर आंदोलन भी किया था। अब भी बनी और नुयावाली खरीफ चैनल के तमाम जो लोगों की मांग है कि अगर इतना ही ज़्यादा पानी है तो उन खरीफ चैनलों में पानी छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ लोग डूब कर मर रहे हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किसान पानी के बिना बेहाल है। लेकिन आपको मैं पूरी अपडेट बताऊंगा कि फिलहाल सिरसा में क्या अपडेट है। सिरसा में घग्गर की अपडेट ये है कि यहाँ पर 17,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौके का चल रहा है। आज शाम तक ये 25,000 क्रॉस करने की उम्मीद है। और फिलहाल देखा जाए तो 7600 क्यूसिक जो पानी है वो राजस्थान की तरफ यानी कि रानिया क्षेत्र की ओर छोड़ दिया गया है, और 2 जो गेट हैं वो पूरे यहाँ पर खोले गए हैं। 13 जुलाई 8 बजे के आसपास की रिपोर्ट देखें तो गुहलाचिका हेड पर जो पानी हम आपको बता रहे थे कल, परसों जो 40,000 क्यूसिक था, फिर 60,000, फिर 65,000, और रात की अपडेट थी कि वो 85,000 है, लेकिन अब वो ओवरफ्लो हो गया है, नॉट गेज में है। यानी कि खनोरी हेड की बात करें तो यहाँ पर भी ओवरफ्लो हो गया पानी। चांदपुरा में 14,000 से ज़्यादा है, सरदुलगढ़ में 21,000 से ज़्यादा है, और O2 हेड पर अगर वर्तमान में बात करें, 11 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 16,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर है। और देखा जाए तो 45,000 क्यूसिक, करीब 42,000 क्यूसिक पानी की क्षमता है वो O2 हेड रखता। अगर इससे ज़्यादा पानी होता है तो निश्चित तौर पर O2 हेड भी फिर 2010 की तरह ओवरफ्लो होने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बारिश और हरियाणा के 5 जिलों में जो बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि सूचना यह है कि गृह मंत्री के घर तक पानी घुसा है और लोग बेहाल हैं, कई करीब 250 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं हरियाणा में अब तक। लेकिन O2 हेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ परिस्थिति क्या है। हम आपको हर एक्यूरेट से रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप में पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन फिलहाल स्थिति अगर मैं बताऊँ तो स्थिति काबू में है। सिरसा में ऐसे कोई हालात नहीं है कि यहाँ पर कोई बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हो या फिर कुछ चिंता मंडराने लगी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले 2 दिन ये पूर्ण तरीके से आफत के दिन हैं, ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गुहलाचिका हेड ओवरफ्लो हो गया है तो निश्चित तौर पर आज शाम तक बहुत बड़े स्तर पर पानी है वो सिरसा में पहुँचने का क्यास है। खनोरी हेड की बात करें तो ये भी नोट गेज है, चांदपुरा में 14,000 से ज़्यादा पानी है, और अगर देखें तो हरियाणा बॉर्डर के साथ चांदपुरा और सरदुलगढ़, यहाँ के बाद सीधा सिरसा आता है और फिर O2 हेड आता है। O2 हेड की क्षमता मैंने पहले से बता दी, उसके बाद जो सीधा पानी है अब वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जाता है और एंड उसका पाकिस्तान की तरफ आता है। फिलहाल जो O2 हेड पर हालात ये हैं कि यहाँ पर करीब 7600 क्यूसिक जो पानी है
वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया है। रोटू हेड में फिलहाल 16,000 क्यूसिक पानी अब मौके का चल रहा है। फिलहाल जो यहाँ पर जलकुंभी यानी कि वनस्पति जो केली है वो भी भारी मात्रा में इस घग्गर के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन उसको भी प्रशासनिक अमले की तरफ से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। मुनादी लगातार गाँव के अंदर करवाई गई है, लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम हरियाणा ने भी सिरसा सहित 5 जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए पहले से बोल दिया है और सिरसा प्रशासन लगातार नज़र इस पूरे मसले पर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी अफवाहें ना फैलाएं, गलत खबरों को प्रचारित ना करें और बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को ना डालें, क्योंकि सिरसा में अभी तक कोई भी बाढ़ जैसे हालात नहीं है। फिलहाल स्थिति पूर्ण तरीके से नियंत्रण में, कट्टों को भरकर, लाखों कट्टों को भरकर रखा गया है, बांधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से लेकर क्रेन से लेकर जो भी एनडीआरएफ की तरफ से बनता जो काम है उसको पूर्ण तरीके से हर एक्शन मोड पर रखा गया है। फिलहाल आपकी राय क्या है आप भी कमेंट सेक्शन में रखिएगा।